नमस्कार जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। 27 नवंबर संडे यानी रविवार का दिन है और आपके राशिफल के साथ हम हाजिर हैं। जिनका आज के दिन बर्थडे, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके जन्मदिन की। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार कीजिए और साथ के साथ इस उपाय को ज़रूर कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारा दिन बहुत अच्छा निकलना चाहिए, जन्मदिन खास करके। ये दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन होता है और साल में एक बार आता है, लेकिन आप ये कैसे भूल जाते हैं कि आपका पूरा साल ही बहुत अच्छा निकलना चाहिए। पूरा साल इतना अच्छा बनाइए कि ये दिन आपको बहुत ही अच्छा लगने लगे अपने आप ही। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस उपाय को ज़रूर करें अपने बर्थडे के दिन, आज के दिन, ताकि आपका पूरा साल बहुत ही खुशनुमा और बेहतर रहे। गुड़ मंदिर में ज़रूर आपने आज के दिन चढ़ाना है, साथ के साथ आपने लाल दाल और 11 सिक्के ज़रूर अर्पित करने हैं मंदिर में जाकर के। अगर आपको ब्राह्मण जी मिल जाए, खास करके आपके पंडित जी मिले, तो आपने चरण छू करके उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना है और साथ में कुछ मिठाई और दक्षिणा ज़रूर देनी है, या फिर आप फल भी दे सकते हैं। आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा, बड़ों का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद, अपने बड़ी बहनों का आशीर्वाद, छोटी बहनों का आशीर्वाद, बच्चों से भी आप ब्लेसिंग लीजिए। यानी सबसे आज के दिन आपको ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। आपका दिन भी अच्छा रहेगा, आपका साल भी बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बढ़ते हैं ट्रांजिट यानी गोचर की तरफ। राशियों का हल भी होगा, साथ के साथ लकी अक्षर भी होगा और लकी विजेता भी होगा। सबसे पहले हाल गोचर यानी ट्रांजिट का। सूर्य वृश्चिक राशि में 11 डिग्री के रहेंगे, शुक्र और बुध के साथ रहेंगे। चंद्रमा धनु राशि में 26 डिग्री के हैं, मंगल 26 डिग्री के हैं, वृष राशि में हैं, बुध वृश्चिक राशि में है, 21 डिग्री के हैं, शुक्र के साथ और सूर्य के साथ हैं। गुरु 5 डिग्री के हैं, मीन राशि स्वराशि में है, शुक्र वृश्चिक राशि में 20 डिग्री के हैं, सूर्य और बुध के साथ हैं। शनि मकर राशि में है, 25 डिग्री के हैं, राहु मेष राशि में है, 19 डिग्री के हैं, केतु तुला राशि में है, 19 डिग्री के हैं। कल का लकी अक्षर क्या होगा, उसे कैसे रखना है, कैसे तैयार करना है, जल्दी बताएंगे। लेकिन पहले हाल राशियों का। पहली राशि मेष राशि एरीज वाले, किसी का धन हड़पने की कोशिश ना करें। करियर में सफलता के योग हैं। पारिवारिक विवाद आपका खत्म हो सकता है, सुलझ सकता है। शुभ अंक की बात करें वह रहेगा 8। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नारंगी, नारंगी रंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वृष यानी टॉरस की बात करते हैं। कागजात अपने ध्यान से साइन करें, यानी कहीं कोई चूक ना हो जाए आपसे। नई प्रॉपर्टी खरीदने के पूरे पूरे योग हैं। धन का लेन देन आप चाहें तो कर सकते हैं। शुभ अंक की बात करें वह रहेगा 3। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन, गोल्डन रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। मिथुन यानी जेमिनी, उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है आज के दिन। नौकरी में पहले से ज़्यादा तरक्की के योग बन रहे हैं और आज कोई ऐसा व्यक्ति आपसे टकराएगा जो कि आपको ये उम्मीद दे करके जाएगा। शादी के योग हैं, बात चाहें तो अपने घर में चला सकते हैं। शुभ अंक की बात करें वह रहेगा 5। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे, ग्रे रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। कर्क राशि यानी कैंसेरियन की बात करते हैं। करियर में तनाव हो सकता है आपको। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। परिवार की ओर खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है। शुभ अंक की बात करें वह रहेगा 7। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम, क्रीम रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। सिंह यानी लियो की बात कर लेते हैं। संतान की सफलता के पूरे पूरे योग हैं। नौकरी में बदलाव की पूरी पूरी संभावना है, लेकिन अपनी वाणी के ऊपर खास करके कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। शुभ अंक की बात करें वह रहेगा 5। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला, पीले रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। वर्गो यानी कन्या की बात करते हैं। धन किसी को भी उधार में ना दे, क्योंकि आज दिया हुआ धन आपको वापस मिलने में बहुत मुश्किल होगी। नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो बात चला सकते हैं। हर समस्या का समाधान निकल सकता है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। शुभ अंक की बात करें वह रहेगा 1। शुभ रंग रहेगा आपके लिए जामुनी, जामुनी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। अब आती है बात कि हमारे लकी विजेता कौन है,
जिनकी कुंडली आज के दिन देखी जाएगी। चलिए, लकी विजेता हैं हमारे हरप्रीत वालिया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप हमारे आज के लकी विजेता बने हैं। 28/05/1989 12 बजे का दोपहर का जन्म है, शाहकोट का इनका जन्म है और प्रश्न इन्होंने नहीं किया है और ये जलंधर का जन्म है इनका। ओके, आपकी जो कुंडली बनती है वो आपकी बनती है सिंह लग्न की कुंडली और राशि बनती है आपकी कुंभ यानी एक्वेरियस राशि। शनि की महादशा, सूर्य की अंतरदशा चल रही है। लग्न का स्वामी सूर्य है, अपने से दशम है, लेकिन अस्त गुरु के साथ रेट्रो बुध के साथ है, तो स्व राशि का शुक्र है, फायदा तो देता है, ऐसे लोगों को काम तो मिलने में कोई दिक्कत नहीं आती, काम इनके चलते भी रहते हैं। लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है शक की स्वभाव, तो थोड़ा सा शक छोड़ना पड़ेगा, हर कोई गलत नहीं है। थोड़ा सा दबदबा जो आप सामने वाले पे बार बार बनाते हैं, वहाँ आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कम होती है। तो ठीक है, राजाओं जैसी ज़िंदगी अच्छी लगती है, दबदबा बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर जगह दबदबा बनाना अच्छा तो नहीं होता ना। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ काम करें, नरमी से पेश आएँ दूसरों के साथ, ताकि आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल सके। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने स्वास्थ्य की ओर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, इनफैक्ट थोड़ा नहीं कहेंगे, खूब सारा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सूर्य को नियमित तौर पर जल दिया करें, सैटरडे को छोड़ करके हर दिन सूर्य को जल दें, लेकिन ये नहीं कि 12 बजे 1 बजे कभी भी, आप सुबह जब उठें ना हाथ धो करके सूर्य के अस्त जैसे ही उदय होता है उसके लगभग 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटे के अंदर अंदर आप जल दे दिया करें। इससे आपका काफ़ी चेंजेस जो आपको आपका माइंड सेटल होगा। और दूसरा, स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, जो डॉग्स को आपने हर मंगलवार को मिल्क ज़रूर डालना है, ये दो काम आप कीजिएगा, आपकी ज़िंदगी में ड्रास्टिक चेंज आएगा। सो गॉड ब्लेस यू, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप आज के लकी विजेता हैं। तुला राशि यानी लिब्रा की बात करते हैं, करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है, शादी का सपना आपका साकार हो सकता है, नौकरी में पहले से उन्नति के योग है। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा, हरे रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात कर लेते हैं, नौकरी में थोड़ा सा आपको कहीं घर से दूर जाने की संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि हो सकता है ये खबर आपको आज के दिन मिल सके, विदेश का सपना आपका पूरा हो सकता है, लंबी यात्रा आप चाहें तो कर सकते हैं। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला, नीले रंग का प्रयोग आप चाहें तो कर सकते हैं। धनु यानी सेजिटेरियस की बात करते हैं, किसी को अपने दिल की बात ना बताएं, बच्चों की ओर खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है, काम नहीं करने के बहाने बिल्कुल मत बनाएं। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन, ब्राउन रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, अपने ज़रूरी चीज़ें खास करके आज के दिन संभाल करके रखें, देर रात तक कोई भी कई डील करने के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं, रह रहे हैं, तो अपनों को खबर देते रहें, अपनों के टच में ज़रूर रहें, जीवन साथी की तलाश आपकी पूरी होगी। शुभ अंक का बात करें, वो रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफ़ेद, सफ़ेद रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। कुंभ यानी एक्वेरियस की बात करते हैं, माता जी के स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है, दोस्तों को अपने घर की निजी बातें बिल्कुल ना बताएं, अपने काम खुद पूरे करें। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा, हरे रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। आखिरी राशि है मीन राशि, अचानक कहीं जाने का कार्यक्रम बन सकता है, ज़रूरी फैसले आज के दिन आप टाल दें, आज के दिन आप ना लें, गाड़ी सावधानी से चलाएं अगर आप खुद ड्राइव करते हैं। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा आपके लिए आसमानी, आसमानी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। अब आती है बात लकी अक्षर की, कौन सा है कल का लकी अक्षर। कल है 28 नवंबर, सोमवार का दिन है, लकी अक्षर है आपका घ घड़ी वाला। गंगा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा चंदन मिला लेना है और आपने इस अक्षर को रेक्टेंगल काट करके उसमें लिखना है। दिन भर इस अक्षर को अपने साथ रखिए और अगली सुबह इसे किसी भी पवित्र पेड़ पौधे की जड़ में रख दीजिएगा। आपका दिन बेहतर होगा, आपका दिन सुकून भरा होगा,
परेशानी आपको नहीं पकड़ेगी और बार बार जो आपको डीमोरलाइज किया जाता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दिन भी अच्छा रहेगा और इनफैक्ट आपका सुकून से भरा हुआ दिन रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।